दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसा ऐसा और ऐसा वर्णम जो आता है, वो सारे वर्णम से आज हम बात करेंगे। क्या ये सच में आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और क्या फ़ायदा होता है इनसे और क्या नहीं होता है। आजकल की युवा पागल हो चुकी है, जाने किस ओर जा रही है, जो ऐसे ऐसे और ऐसे वर्णम पहनना चाह रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, जिसमें बात करूँगा मैं क्रिस्टल कॉन्डम्स के बारे में, जो रीयूजेबल कॉन्डम्स आते हैं, सिलिकॉन के कॉन्डम्स आते हैं। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसा ऐसा और ऐसा कॉन्डम जो आता है, वो सारे कॉन्डम्स से आज हम बात करेंगे। क्या ये सच में आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और क्या फ़ायदा होता है इनसे और क्या नहीं होता है। आजकल की युवा पागल हो चुकी है, जाने किस ओर जा रही है, जो ऐसे ऐसे और ऐसे कॉन्डम्स पहनना चाह रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बहुत लोगों की क्वेरीज आते हैं कि भैया इस कॉन्डम्स के फ़ायदे बताइए, ये कॉन्डम यूज़ करके क्या मज़ा आता है, मतलब सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या। देखो भाई, सबका अपना अपना मानना है यार, ठीक है। इसमें मैं किसी की पर्सनल सेटिस्फेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकता आपके सामने, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से और जनरल बुक्स के हिसाब से ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये आप देखने में ही देख सकते हैं कि ये सब प्रोडक्ट एटलीस्ट उन प्राइवेट पार्ट्स के लिए तो नहीं बने यार, है ना। बट अगर फिर भी ये पॉर्नोग्राफी देख के कोई इंसान सीखता है इन कॉन्डम्स को यूज़ करना, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है यार, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं ये सब के मतलब सपोर्ट में नहीं रहता और ये सब पे वीडियो बनाता नहीं हूँ। जो नॉर्मल कॉन्डम्स जो आते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट मतलब ऑलरेडी सेल करती है, मैं उन्हीं के उसमें आता हूँ। अगर आपको फैंटीसीज़ में जानना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, तो वो सब चीज़ें मैं भैया यहाँ प्रमोट नहीं कर सकता, और ना मैं आपको कहता हूँ कि ये सब चीज़ें आप करें और देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉन्डम है, तो इसमें जो क्रिस्टल्स बने हैं, देखिए कितने बड़े बड़े जो उसमें निकले हुए हैं दांत टाइप के, ये क्या करेगा यार, ये अंदर वाली स्किन को डैमेज करेगा। और सामने वाले को सेटिस्फेक्शन मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जो डैमेज करेगा ना यार, ये सच में बहुत ब्रूटली डैमेज होगा। और शायद इससे, मुझे तो नहीं लगता इससे कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, मुझे ऐसा नहीं लगता। बट अगर आपको मिलता है तो ये आपका पर्सनल चॉइस है भाई। तो दोस्तों मैं ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, और ना मैं इसको आपके समक्ष ला के दिखाऊँगा कि भाई ऐसा होता है, देख लो ये होता है। और यूट्यूब चैनल कर भी रहे हैं भाई, इससे बहुत ज़्यादा मतलब सेक्सुअलिटी इम्प्रूव होती है भैया। नहीं, हमको हिंदुस्तान को ऐसे लेवल पे लेके जाना है जहाँ ये सब चीज़ें पे बात हो, इन सब चीज़ों पे एक्सट्रीम वॉयलेंस टाइप पे ना हो, है ना। तो मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, और मेरी अपने सारे अनुभव प्रोडक्शन के जो फैमिली है उससे यही दरख्वास्त है भाई कि इन सब चीज़ों में मत जाओ, मत पढ़ो, नॉर्मल सेक्स इन्जॉय करो भाई। कामासूत्र बुक को पढ़ो यार, वो जो अपने एंशियंट टाइम की किताबों में लिखा हुआ है कामासूत्र में, वैसे ही टाइप का सेक्स करो भाई। ज़्यादा अपने दिमाग ला के इतना ऊंचा मत पहुंचो, इतनी फैंटेसीज मत क्रिएट करो कि आप सामने वाले के लिए प्रॉब्लम्स आगे जाके क्रिएट कर दो। दोस्तों इससे होने वाले जो परिणाम होते हैं, जो मतलब इसके रिजल्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग और डिस्टर्बिंग होते हैं दोस्तों, ध्यान रख लीजिए। आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, आपको UTI हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको। तो ये सब चीज़ें यार आप अवॉइड करो, है ना। दोस्तों मैं ऐसी जानकारी आपको देता रहता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।